गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत। तो अभी तो फिलहाल उठ के मैंने वीडियो एडिट करी है और अब जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। मनु अभी सो ही रही है, मैंने कहा उठ जाओ, आज संडे है तो उठ जाओ। तो अभी बस उठाती हूँ मनु को भी और नीचे, जब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। और आज मेरे को जाना है हेयर कलर के लिए जाना है। हेयर टचअप मैंने ना, हमने मम्मी और मैंने शादी से पहले करवाना था, बट वन मंथ हो चुके हैं, अभी तक हमारा हेयर टचअप नहीं हो पा रहा, तो आज करवाने जाऊंगी। एंड नेल्स भी करवाने हैं मुझे। अब ना ये वाला नेल ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। फर्स्ट टाइम ना मेरे नेल्स मन से ऊपर चले गए, शादी मन से भी ज़्यादा ऊपर हो गए। हम शादी से दो दिन पहले करवाए थे और मेहंदी से एक दिन पहले करवाए थे, तो अभी तक चले गए, ऊपर आ गए। तो देखूँ फीलिंग होगी या फिर पूरे के पूरे चेंज हो गए, वो जैसे उनको ठीक लगेगा वैसे कर देंगे। अभी तो फिलहाल जाती हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में बस आज बने हुए मूली के परांठे और दही है, तो ये ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करके फिर आगे देखते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना। सो गाइज, किचन के लिए ना मैसेज आते, कमेंट आते थे कि आपकी किचन थोड़ी मेस्ड अप है, प्लीज उसे आप सेट कीजिए। सो यस, नए घर में आके थोड़ा टाइम लगता है। किचन, अभी किचन में एंट्री हुई है, तो मैंने आज ये पूरी की पूरी, मतलब दो तीन चार पाँच दिन से काम मैं ही कर रही ना, तो शेल्फ तो मैंने पूरी क्लीन कर ली है। बाकी धीरे 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 अभी इन चीज़ों को सेट अपने अकॉर्डिंग करूंगी। हर चीज़ों को टाइम लगता है, कोई भी एक दिन में आके चीज़ सही नहीं हो जाती, सो इट विल टेक टाइम। घर बनते बनते वही बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ आज मैंने काफ़ी शेल्फ आज ऑर्गेनाइज कर लिए, बाकी धीरे 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 करके अब इन चीजों को और मैं ठीक करती जाऊंगी, आगे आप लोगों को अपडेट होता जाएगा। किचन क्लीन करके बस ऊपर ही जा रही थी, इतने में भाभी आए। भाभी कह रहे हैं आज बनानी बटर पनीर मसाला समथिंग कुछ ऐसे बना रहे हैं, तो पनीर है ना। भाभी कह रहे थे कि काजू को चॉपर में चॉप कर दी, तो ये कर दिया, और इधर साथ साथ मैंने टमाटर कर दिया। तो अभी भाभी आएंगे, बाकी भाभी देखो कैसे आज बनाते हैं। और क्या कहते हैं, मैं इतने में सोच रही हूँ ऐसा करके, फिर इतने में मैं नहा आती हूँ। पूजा, ट्रैक सूट कहाँ से लिए है? जी, ट्रैक सूट कहाँ से लिए है? ये रुनिता रोड डिजाइन से। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से प्रिंट वगैरह जो है ये। हाँ, ये गर्ल बेबी गर्ल पीछे भी ऐसी बनी है, बड़ी वाली ना देखो। हाँ, कार्ल लेगरफील्ड का है। क्या? कार्ल लेगरफील्ड का। अच्छा, वो है, मुझे नहीं पता ऐसा। बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी सही है। वेलवेट का ना है? हाँ, ये वेलवेट का है। मुझे काफी अच्छा लगा था, नीचे से टाइट लोअर्स है। ओके, ऊपर में ये वाला है, बहुत बढ़िया अच्छा लगा था। इसके बाद ना और भी बहुत सारे डिजाइन आए हुए, तो मुझे ना ये वाला पर पसंद आया था, पिंक कलर है ना, आपको पता है पिंक कलर मेरा फेवरेट है। और शेड भी आते हैं थोड़े बहुत, थोड़ा घूमते हो ना, डार्क हो जाते कभी लाइट हो जाते। ऐसे भी है? मैंने नहीं, ऐसा है। वेलवेट भी होगा, वेलवेट करता है ना। ओके, चलो आपको पसंद आया, अच्छी बात है। सो गाइज, ये वाला मैंने मंगवाया था रुनिता रॉ डिजाइन से। आपको बताओ, उनके जो कपड़ों की क्वालिटी होती है, मैंने हमेशा फर्स्ट टाइम से ही बोलती हूँ, बहुत अच्छी होती है। जितने भी चाहे हमने उनसे कपड़े लिए हो, सब अच्छे होते हैं। तो विंटर का ये मेरा फर्स्ट है कलेक्शन उनकी साइड से, तो बहुत बहुत अच्छा, कंफर्टेबल है घर पे पहनने के लिए, बहुत सही है। और बिकॉज हर वक्त हम घर पे रेडी भी नहीं रह सकते, एंड ये एकदम कोजी कोजी सा और स्टाइलिश भी लगता है घर बैठे बैठे भी ना। तो काफी लोग बोलते रहते थे नाइट सूट आप लोग वेयर करते हो अच्छा नहीं लगता, तो घर पर सूट्स जीन्स हर वक्त नहीं पहन जाती, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने एल साइज में ऑर्डर करा है, मैंने उसे एम साइज में बोला था, बट एम साइज में आई गेस वो कह रहे थे कि ट्रैक सूट्स ना एल साइज में ही मोस्टली होते हैं, एल से एक्सरेज में ऐसे में होते हैं। मैंने सोचा ठीक है, फिटिंग तो सही आई है ना, इतना बहुत बढ़िया चल रहा, एल साइज है। हाँ जी, जी। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना हो ऐसा, तो यहाँ पे नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पे उन्हें डीएम कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, runita.designs। वैसे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा उनका अकाउंट भी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लस इस नंबर पे आप उन्हें पूछ सकते हैं इसका प्राइस क्या है, और भी इनके पास बहुत सारे कलर ऑप्शन है, और भी बहुत न्यू ट्रैक सूट्स आए हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी एल साइज की वेस्ट तो बता दो, मुझे खुद नहीं पता। मेरे को तो फिट आ गया था, एंड इसमें ना टाइट करने वाला था। ओके ओके, तो मेरे को तो सही आ गया, तो मुझे दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है,
कल तो मैंने समर्स वाले कपड़े धोए थे, आज मैंने ये विंटर वाले कपड़े धो दिए हैं तो सुखा दिए हैं। मेरे पास ना क्लिप ये टेनी लाई थी तो मेरे को कम पड़ रही है, अब ना और ले आऊँगी क्लिप क्योंकि यहाँ पे 3-4 कपड़े और आ सकते हैं और तो इसी वजह से मैंने कहा इधर कम पड़ रहे हैं, अब क्लिप्स और ले आऊँगी फिर यहाँ पे लगा दूंगी क्लिप्स ना। और गाइज बस अभी हुई रेडी जाने के लिए एंड मनु भी रेडी हो रहे हैं। आज हमने सोचा कि आज हम ना लंच बाहर ही करते हैं सो इसलिए अब हम डोसा खाने जा रहे हैं। मम्मी को जो खाना होगा मम्मी खा लेंगे बिकॉज डोसा कम पसंद है। और उसके बाद फिर मैं मम्मी के साथ जाऊंगी हेयर के लिए एंड उसके बाद जाऊंगी नेल्स के लिए, तो आगे अपडेट करते रहेंगे। रजौरी गार्डन जाना है तो मैंने मम्मी को कहा, मैं मम्मी कह रहे हैं मैं देखो मतलब मुझे सुभाष नगर तक ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आगे मम्मी के साथ रजौरी मार्केट के लिए चली जाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल खाने के लिए जाती हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है और सुबह का ही ब्रेकफास्ट कर रखा है, आज हमने खाया ही नहीं और अभी 5:30 हो रहे हैं, लंच किया ही नहीं तो हमने कहा चलो बाहर जाके खाते हैं। हम लोग यहाँ पे विकासपुरी के साउथ इंडियन कैफे में आए, यहाँ का डोसा लास्ट टाइम में आई थी बहुत टेस्टी था, मनु को मैंने बोला आप जब तक जाओ अंदर आप ऑर्डर दो मैं तब तक अपना वीडियो बना लेती हूँ। सो गाइस मेरा तो डोसा आ चुका है एंड मनु अभी ना पेट्रोल भरवाने के लिए गए हुए थे, मैंने कहा तब तक मैं ऑर्डर देती हूँ, इतने में तो ये बहुत जल्दी आ गया ये ऑर्डर ना। मनु भी आए गए साथ उधर से दिख के, कोक भी आ गया मनु भी आ गया, आ जाओ आ जाओ अभी आए ऑर्डर ना आ जाओ। मैंने कहा अभी बस मनु गए हुए भरवा ले पेट्रोल, आ जाओ चलो खा लेते हैं। तो मनु ने यहाँ पे तो मुझे छोड़ दिया है, मम्मी भी आ गए आ जाओ इधर हो जाओ मम्मी ट्रैफिक आ रहा है, ऑटो वाले भी आ गए, ऑटो मैंने कर दिया पीछे ही है। सो गाइस बस अभी मम्मी के साथ मैं अलीशा पे पहुंची गई हूँ, अब अंदर जाती हूँ और अपना हेयर टचअप जो करवाना है वो करवाती हूँ। मम्मी का तो हेयर कलर स्टार्ट हो चुका है, मम्मी का तो ब्लैक ही है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी और अब मेरा भी स्टार्ट हो रहा है, कलर यहाँ पे बन रहा है और बस अभी हम कॉफी पी रहे हैं। पी लो आप भी, हाँ अच्छा हाँ हाँ तो गाइज रूट टचअप हो गया है एंड एग्जैक्ट सेम शेड ही आया है जो मेरा मतलब पहले से हो रखा था ना, एग्जैक्ट सेम आया है और अभी थोड़े बाउंसी हो रखे बिकॉज हेयर ड्रायर हो रखा है ना इसी वजह से बाउंसी हो रहे हैं, अभी थोड़े सेट हो जाएंगे अपने आप। मम्मी के भी हो गए है ना, आपके भी सही हो गए ना, सबसे ज्यादा मम्मी परेशान थे कि वाइट हेयर आ रहे। मेरे भी 3-4 ना ऊपर आते थे, ये यहाँ पे स्कैल्प पे आ जाते थे बिल्कुल ऊपर, तो वो दिखते थे इसी वजह से मैंने कहा चलो आके आज करवा लेती हूँ, चलते वो भी नेल्स के लिए ना। और सो गाइज मैं आई हूँ यहाँ पे बेला नेल्स एंड एकेडमी में, ये है तो अभी जाके ना देखते हैं करवा लेते हैं है ना, नेल्स करवाती हूँ मैं अपने। रजौरी में ये साई मंदिर है, साई मंदिर के ये रहा साई मंदिर के बिल्कुल रजौरी है, सरप्राइज बॉक्स ये रहा टॉयज इन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, चलते अंदर। सो गाइज बस नेल्स के भी ना मेरी शेप हुई है, शेप इस बार मैंने थोड़ी डिफरेंट लगवाई है सो रीफिलिंग हो रही है, ये वाले नेल्स पहले से लगे हुए थे सारी बफिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, बस इसकी शेप अब थोड़ी चेंज करवाई है। इस बार इन्होंने कहा आप ऐसी वाली शेप करवाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आगे आगे जो प्रोसेस होता जाएगा आपको दिखाती जाऊंगी मैं। मेरे नेल्स हो चुके हैं डन, अभी एक पे बस ड्राई हो रहे हैं, बहुत सुंदर हुए हैं पूजा के नेल्स, बहुत अच्छे लगे, तो इन्होंने ऐसे दिए और ये वाले स्टोन्स वाले दिए इन्होंने, मतलब खुद से ही मतलब सारा कुछ सजेस्ट किया था, मैंने तो इन्हीं पे छोड़ दिया था कि जैसे आपने करने वैसे कर लो, और अपने यहाँ पे बहुत सुंदर कर दिए, टो फिंगर के हो रहे हैं बस, उस पे तो प्लेन रेडी करवा रही हूँ, तो ये हो गया, अभी दूसरे बाकी बताऊंगी, सुंदर है ना, बहुत सुंदर। मेरे नेल्स में दोनों हैंड्स के हो गए हैं एंड अभी एक हैंड के दिखा रहे हैं, तो दोनों हैंड के बहुत सुंदर है, ये वाले इन्होंने थोड़ा न्यू करा है, मतलब ब्राइडल नेल्स में भी मेरे ऐसे नहीं था, बाकी तो मैंने फिर भी नॉर्मल रखवाया, ये रिंग फिंगर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे रखवाओ तो मैंने इसे रखवाया, तो बहुत बहुत अच्छी सर्विसेज है एंड टो नेल्स पे तो मैंने बस रेड नेल कलर ही लगाई है, वो बहुत बहुत अच्छे है। तो इनका जो है स्टूडियो वो है रजौरी गार्डन पे, रजौरी गार्डन की मार्केट है उसके बैक साइड पे है, साई मंदिर के पास में ही है, मैंने बाकी आपको दिखा दिया था एंड बेला नेल्स एंड अकेडमी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नंबर जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, सो आपको अगर प्राइजेस वगैरह पूछने की कितने के क्या चार्जेस है इनके तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी आइडियाज देखने की कौन सा नेल करवाए, कौन सा नेल आर्ट करवाए, कैसा करवाए, कौन सी शेप करवाए,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देती हूँ, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर से। ये वाला मैंने इनका उस पर देखा भी था पेज पे भी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो एक आइडिया हो जाता है आगे से पहले कि कैसे करवाने हैं। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप ज़रूर आए। एंड बहुत बहुत अच्छी सर्विसेज है, मतलब खुद आप देख सकते हैं एकदम नीट वर्क कर रखा है। एंड शेप मैंने इस बार डिफरेंट करवाई है, इन्होंने ही सजेस्ट की थी, तो अगर आपको कुछ नहीं पता यहाँ पे आके आप इन पे छोड़ दीजिए, ये आपको अपने बेस्ट आप बता देंगे। तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, डिनर आकर बस किया एंड अभी आई हूँ ऊपर। इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे, एंड आई होप आपको हमारा आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज जाने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।